हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से हम ग्रुप थ्योरी बीएससी फर्स्ट ईयर की चर्चा करेंगे। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी में हम नॉर्मल सब ग्रुप्स वगैरह देख लिए थे। अंतिम क्लास में हमने क्वोशेंट ग्रुप क्या होता है और क्वोशेंट ग्रुप की एक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे क्वोशेंट ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी डिस्कस आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है, कल हमने लास्ट जो थ्योरम्स पढ़ी थी वो थी क्वोशेंट ग्रुप होता क्या है वो देखा था। तो क्वोशेंट ग्रुप ये होता है कि किसी भी कोई एच कोई जी का सब ग्रुप है या एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी अपॉन एच जो सेट होगा वो जितने भी एच के जी में कोसेट बनते हैं उनका सेट होगा। ऑल कोसेट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। ठीक है, जितने भी कोसेट्स बनते हैं एच के इन जी में उनका सेट जो बनाएंगे उसको जी बाय एच से लिखेंगे, और वो क्या कहलाएगा, वो जी बाय एच खुद एक ग्रुप हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, कोशेंट ग्रुप। ठीक है, ये कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन थी। हम कोशेंट ग्रुप की एक और थ्योरम्स पढ़े थे कि ऑर्डर ऑफ जी बाय एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, अगर जी बाय एच कोशेंट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच क्या होगा, जी अपॉन एच। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आगे आपकी बुक के 114 पेज नंबर पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द कोशेंट ग्रुप, फाइंड द कोशेंट ग्रुप जी बाय एच एंड ऑल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन, ऑल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल व्हेन जी, यहां पर जी क्या दिया हुआ है, जी सेट दिया हुआ है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, और ऑपरेशन दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और एच क्या दिया हुआ है, एच कोई सेट दिया हुआ है 1 और -1। ठीक है, और ऑपरेशन वही मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एच क्या है, एच उसका जी का सब ग्रुप है। ठीक है, हम जानते हैं, अब इसका प्रूफ देखेंगे या इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड निकालना है, फाइंड क्या करना है, कोशेंट ग्रुप जी बाय एच फाइंड करना है। इसका मतलब क्या करना है कि एच के कोसेट्स बनाने, एच के कोसेट्स बनाने और एक ऑपरेशन टेबल बनानी। ऑपरेशन टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले कोसेट्स बनाते और कोसेट्स का सेट बना देंगे वो जी बाय एच हो जाएगा। ठीक है, तो एच के कोसेट्स बनाएंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि जी इज ए एबिलियन ग्रुप। ठीक है जी, ये हम पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जी ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता ही है। और चूंकि एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये भी जान रहे हैं कि एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है। इस सेट के लिए इसको प्रूफ करवाओगे तो एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्वोशेंट ग्रुप फाइंड करवा रहे हैं, तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ही क्वोशेंट ग्रुप होगा। ठीक है, एच इज द, अब देखो इसका एच का, अब कोसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, एच ए। ठीक है, ए एलिमेंट क्या ले लूंगा, ए जी में से एलिमेंट लेता हूं। ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी होते हैं और कोसेट्स एच ए एच एच ए वन एच ए टू एच ए थ्री ए वन ए टू ए थ्री क्या होंगे, जी के एलिमेंट। ठीक है, इस तरह अपन कोसेट, अब एच लिखा, एच के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट इस मल्टीप्लीकेशन है तो जी का एक एलिमेंट ले लेता हूं 1, एच 1 निकालूंगा। ठीक है, तो ये क्या निकालेंगे, एच के एलिमेंट 1 के साथ 1 × 1 क्या होगा, 1, 1 × -1 -1। ठीक है, 1 और -1 ये एच के बराबर ही हो गया। अब एच इंटू माइनस वन करेंगे, एच इंटू माइनस वन, एच माइनस वन निकालेंगे तो 1 के साथ -1 का मल्टीप्लीकेशन -1, -1 के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ -1 का, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर, एच -1 भी किसके बराबर हो गया, एच के बराबर। वैसे के वैसे अब तुम एच आयोटा, एच एक एक एलिमेंट लेना देते रहना है जी का, एच आयोटा लिखोगे तो 1 का आयोटा के साथ तो आयोटा, 1 का आयोटा का -1 के साथ तो माइनस आयोटा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, एच आयोटा के बराबर। वैसे के वैसे एच माइनस आयोटा लिखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, ठीक है, ये भी किसके बराबर होगा, एच
आयोटा के बराबर, एच माइनस आयोटा भी ये सेम टू सेम यही मिल गया, तो एच माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है, तो यहां पर डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने मिले, जी बाय एच, जी बाय एच का सेट बनाओगे डिस्टिंक्ट कोसेट, तो एच और एच आयोटा कितने मिले, एच और एच आयोटा दो सेट मिले, तो ये जी बाय एच का सेट मिल गया। अब जो टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल बनानी है हमें, ठीक है, टेबल बनाएंगे। देखो टेबल किस तरह बनाओगे, ठीक है, अब देखो एच और एच आयोटा दोनों डिस्टिंक्ट को लिख देना, एच और एच आयोटा, ठीक है, इस तरह। अब देखो एच एच, हम देखो अब यहां पर टेबल किस तरह बनानी है, हम जानते हैं कि एच ए एच बी दो कोसेट्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, एच ए बी, वी नो दैट, ये जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, एच ए बी, एच ए, एच ए क्या होता है, लेफ्ट कोई भी कोसेट होता है, लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट, एच ए राइट कोसेट है, एच बी भी राइट कोसेट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, एच ए बी, ये कल की थ्योरम्स में हम प्रूफ भी कर चुके, तो एच इंटू एच क्या होगा, एच इंटू एच, एच एक बार एच हो जाएगा, ए और ए क्या है यहाँ पर, ए भी वन है और बी भी वन है, तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन, ठीक है, तो ये एच के बराबर हो जाएगा। अब एच, ठीक है, एच वन दिया है, एच एच का मतलब क्या है, एच वन और एच आयोटा, ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एच वन आयोटा, वन का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अब वापस आयोटा, तो एच आयोटा, एच का एच के साथ एच आयोटा, ठीक है, आ रहा है ये समझ में, है ना, जैसे एच आयोटा का करवाता हूं, देखो एच आयोटा का एच के साथ, तो एच आयोटा और एच का मतलब क्या है, एच वन, ठीक है, एच आयोटा, एच ए एच बी का क्या हो जाएगा, एच ए बी, एच आयोटा वन, अब आयोटा के वन के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आयोटा, तो एच आयोटा, एच आयोटा का एच के साथ, तो एच आयोटा, ठीक है। अब देखो वैसे वैसे लास्ट वाला क्या है, एच आयोटा का एच आयोटा के साथ, एच आयोटा इंटू एच आयोटा, ठीक है, एच आयोटा और एच आयोटा क्या होता है, तो एच आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा एच आयोटा स्क्वायर। अब एच आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो एच माइनस वन, अब एच माइनस वन किसके बराबर है, एच के, ठीक है, एच के, तो एच आयोटा और एच आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, एच के, ठीक है, इस तरह। तो ये क्या हो जाएगी, एक टेबल बनानी थी वो बन गई, ठीक है, आगे बात समझ में, टेबल जो हमें बनानी थी वो बन गई, या फिर से इसको समझना हो, देख लो एच आयोटा और एच आयोटा, एच ए एच बी, तो ये क्या हो जाएगा, एच ए बी, तो एच आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, और एच माइनस वन, यहां देखो एच माइनस वन किसके बराबर है, एच के, तो एच माइनस वन को एच के बराबर लिख सकता हूं, तो ये एच आयोटा इंटू एच आयोटा किसके बराबर लिख दिया, एच के। फिर से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो हमने देखो कोशेंट जी बाय एच निकालना था, तो जी बाय एच निकाल लिया, और उसकी जो ऑपरेशन टेबल बनानी थी, तो ये क्या होगी, उसकी ऑपरेशन टेबल, कोसेट्स की ऑपरेशन टेबल बना ली, ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरह। ये पहले तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकालने, उनका सेट बना लेना, फिर डिस्टिंक्ट कोसेट्स को इस तरह लिख के उसके ऑपरेशन, देखो एच ए एच ए एच बी बराबर एच ए बी, ये जानते हैं, इससे ये टेबल इससे बनेगी, ध्यान रखना है ए और बी एलिमेंट होंगे जी के, और एच क्या होगा उसका सब सब ग्रुप, या नॉर्मल सब ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, और नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा, जी बाय एच ले रहे अगर, तो जी बाय कोशेंट ग्रुप तभी होता है, बनता है जब जी बाय एच को क्या बनाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, और डिस्टिंक्ट कोसेट्स का ही लेने, यहाँ पर डिस्टिंक्ट कोसेट, यहाँ पर एच माइनस वन और वो भी नहीं ले लेना, क्योंकि डिस्टिंक्ट कोसेट्स का सेट ही जी बाय एच में डिस्टिंक्ट कोसेट्स ही आएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर वन अच्छे से समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर टू की बात करते हैं, यहां पर एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू क्या दिया हुआ है, फाइंड फाइंड द कोशेंट ग्रुप, फाइंड द कोशेंट ग्रुप जी बाय एच, एंड ऑल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल व्हेन, जी क्या दिया हुआ है यहां पर, जेड प्लस, ठीक है, और एच क्या दिया हुआ है, फोर जेड प्लस। देखो मैंने एक चीज नहीं बताई थी, आगे की क्लास में भी अपन डिस्कस नहीं कर चुके, तो याद रखना जी, ठीक है, यहां पर जी जब जेड प्लस हो और उसके लिए कोई भी उसका सब ग्रुप दिया हो एन जेड, ठीक है, एन जेड,
तो उसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स की संख्या कितनी होगी, एन के बराबर। ठीक है, अगर 4z है तो उसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने होंगे, 4। ठीक है, और वो भी मतलब n होंगे, nz की जगह 2z होता है तो इसके डिस्टिंक्ट कोसेट कितने होते, 2। आगे एग्जांपल पहले अपन देख भी चुके हैं z प्लस और 2z का, तो उसके डिस्टिंक्ट कोसेट कौन कौन से होते थे, दो ही होते थे, h और h प्लस 1। ठीक है, h और h प्लस 1, तो इसी तरह यहां पर भी होगा। तो यहां डिस्टिंक्ट कोसेट वैसे निकाल के मैं बताऊंगा तुमको, तो यहां पर क्या 4z दिया हुआ है, तो इसके डिस्टिंक्ट कोसेट कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अपन देखते हैं, देखो यहां का इसका सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन पे जाते हैं, सबसे पहले क्या करना है, इसके डिस्टिंक्ट कोसेट निकालना है और ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो डिस्टिंक्ट कोसेट निकाल के उसका सेट बनाएंगे तो वो जी बाय एच का सेट हो जाएगा। अब डिस्टिंक्ट कोसेट से कोसेट कैसे बनाते हैं, ए एच या एच ए, तो अपन यहाँ पर लेफ्ट कोसेट बनाते हैं। ठीक है, एच ए एच मतलब यहां पर क्या होगा, ए प्लस एच लेना पड़ेगा, ऑपरेशन जो दिया हुआ है वही लेते हैं, ए प्लस एच। ए कैसे एलिमेंट लेता रहूंगा, जी के एलिमेंट लेता रहूंगा। ठीक है, ए प्लस एच लेना है और ए जी के, जैसे पहला एलिमेंट लिया जीरो प्लस एच। ठीक है, जीरो कोसेट्स निकालना पहले एक भी सीख चुके हैं अपन। ठीक है, जीरो प्लस एच, अब जीरो प्लस एच पहले तो जीरो प्लस एच करोगे, अब एच क्या दिया हुआ, 4z, तो 4z का सेट क्या होता है वो लिख लो यहाँ, 4z का सेट क्या होता है, 4z का नेगेटिव में भी चलता जाएगा, -8 -4 0 4। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो, या इसको 4z के सेट को इस तरह भी लिख सकते हो, 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। ठीक है, ये 4z का सेट होगा। ठीक है, z का सेट तो जानते ही हो, अब 4z इसमें 0 को प्लस करवाओ तो ये क्या होगा, ये वही 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12। ठीक है, यही सेट होगा। ठीक है, अब 1 प्लस h करो, 1 प्लस h करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 को प्लस करूंगा तो पहले तो 1, फिर प्लस करूंगा, देखो 4 प्लस के साथ 1 प्लस करूंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस 4 के साथ करूंगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेट को इस तरह भी लिख सकते हो आप, सारे एलिमेंट को क्रम के रूप में लिखना है तो यहां पर क्या क्या चीजें मिलेगी, -3 माइनस में -3 -7 4 के गैप में मिलेगी। ठीक है, और 1 मिलेगा, और यहां 4 के गैप में 1 5 9 ऐसी ऐसी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब 2 प्लस एच देखो, 2 प्लस एच करोगे तो यहां पर भी 4 के गैप में होगा, पर देखो फर्स्ट के यहां पर 2 प्लस करोगे 2 मिल जाएगा, और यहां पर 4 के साथ 2 प्लस करोगे तो 6 मिलेगा, और -4 के साथ 2 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, तो यहां डेडेज कर दो, -2 से इधर 4 के गैप में -6 आएगा। ठीक है, वैसे वैसे माइनस, फिर 6 के बाद -10 ऐसे चलता जाएगा, इधर आएगा 2, इधर आएगा 6 10। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, अभी तक डिस्टिंक्ट ही मिल रहे हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन मिलते ही अपन रुक जाएंगे। अब अगला निकालते हैं 3 प्लस एच, एक एक एलिमेंट लेते जाओ जी के। ठीक है, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, अब 3 लोगे तो 3 के साथ 0 को प्लस करोगे तो क्या होगा, 3, और 4 प्लस 4 को लेके तो 3 प्लस 7 हो जाएगा, और -4 के साथ तो -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, और क्या बचेगा, -5, 4 के गैप में लिखते जाओ, और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, 3 7 11। ठीक है, 0 के साथ प्लस किया तो 3, उसके बाद 4 के साथ प्लस 4 के साथ 7 11। ठीक है, ये सेट हो जाएगा। अब 4 प्लस एच करो, 4 प्लस एच करोगे क्या हो जाएगा, 4 के साथ वापस प्लस 4 हो जाएगा, और इसका 4 के साथ 4 प्लस करूंगा तो 8, और -4 के साथ तो 0, वापस वो के वही सेट मिल जाएगा अपन को। ठीक है, कौन सा, ठीक है, -8 -4 0 4 8। ठीक है, यही सेट मिल जाएगा, ये किसके वापस बराबर हो जाएगा, h के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया h, ये हो गया 1 प्लस एच, ये हो जाएगा 2 प्लस एच, और ये हो जाएगा 3 प्लस एच, और 4 प्लस एच वापस h के बराबर हो गया। तो डिस्टिंक्ट कोसेट का सेट क्या हो जाएगा, g अपॉन h क्या हो जाएगा, g अपॉन h किसके बराबर हो जाएगा, h 1 प्लस एच 2 प्लस एच और 3 प्लस एच। ठीक है, डिस्टिंक्ट कोसेट 4 हो गए, देखो 4 प्लस एच करते में वापस वो के वही एच वाला सेट ही मिल जाएगा अपन को, तो एच वापस हो के वापस वही एच का सेट मिल गया, इसलिए डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, डिस्टिंक्ट कोसेट कितने हो गए, 4। तो ठीक है, जी बाय एच का सेट बन गया। अब अपन को क्या करनी है, ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो जी बाय एच क्या होता है, कोसेंट ग्रुप। ठीक है, क्या, ऑल कोसेट, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। ठीक है, ऑल लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट कोसेट का सेट बना रहे हो या राइट कोसेट का, ऐसा नहीं करना है कि लेफ्ट कोसेट भी डाल दिए राइट कोसेट भी डाल दिए, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अपन
तो लेफ्ट कोसेट का बनाना है तो सारे डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट लेने, और राइट कोसेट बना रहे हो सारे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट लेने, ठीक है। तो जी बाय एच यहां पर बन गया अपना, जी बाय एच बना दिया। अब अपन को इसकी ऑपरेशन टेबल देखनी है। अब ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है, आगे देखो। ऑपरेशन टेबल बनाते हैं यहां, ऑपरेशन टेबल ठीक है इस तरह बनाएंगे। अब देखो सारे डिस्टिंक्ट एक बार लिख लो, सारे जो जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं उनको लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पर पहला क्या था, एच, दूसरा वन प्लस एच, ठीक है, दूसरा टू प्लस एच और थ्री प्लस एच। एच वन प्लस एच, टू प्लस एच और थ्री प्लस एच, ठीक है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स लिख दिए। अब इसके बनाएंगे एच का एच के साथ, ठीक है, ये इस तरह होगा एच ए एच बी बराबर एच ए बी होता है, या ए एच और बी एच बराबर ए बी एच, इस तरह भी लिख सकते हो। अपन को एच ए एच बी बराबर एच ए बी इस तरह का ही लेना है, ठीक है। अब एच का एच के साथ, एच का एच के साथ, तो एच का मतलब क्या है, एच प्लस जीरो, ठीक है, एच प्लस जीरो और प्लस एच प्लस जीरो। अब एच ए बी, एच ए बी यहां पर ऑपरेशन भी वही लगेगा जो दिया हुआ है, एच प्लस जीरो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा एच जीरो प्लस जीरो, ठीक है। एच ए बी, ए बी में वही ऑपरेशन लगेगा, जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, एच जीरो, एच जीरो एच प्लस जीरो के बराबर, एच प्लस जीरो किसके बराबर है, एच के, तो एच एच और एच किसके बराबर हो जाएगा, एच के। वैसे के वैसे देखो यहां दूसरा लो, दूसरा क्या दिया हुआ है, वन एच और वन प्लस एच, एच एच ए मतलब एच, एच क्या है, एच प्लस जीरो, ठीक है, और दूसरा क्या है, वन प्लस एच, या एच प्लस वन लिखो या वन प्लस एच लिखो एक ही बात है, ठीक है। एच प्लस जीरो और एच प्लस वन, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं, इसलिए एच प्लस वन को वन प्लस एच को एच प्लस वन लिख सकता हूं, ठीक है, एच प्लस जीरो और एच प्लस वन, ठीक है। तो एच ए बी के बराबर होगा, एच जीरो प्लस वन के बराबर होगा, जीरो प्लस वन यहाँ क्या होता है, एच जीरो प्लस वन क्या होता है, एच वन, ठीक है, एच प्लस वन। अब एच प्लस वन के बराबर ही होगा, या वन प्लस एच ही लिखूंगा यहाँ, ठीक है। टू प्लस एच, टू प्लस एच के बराबर होगा, वैसे वैसे थ्री प्लस एच, थ्री प्लस एच के बराबर होगा। अब देखो यहां पर देखने की चीजें, इतने तक तो अपन समझ लिए, ठीक है। यहां पर देखना कि वन प्लस एच, ठीक है, वन प्लस एच यहां पर क्या हो जाएगा, वन प्लस एच को एच प्लस वन लिख दूं, ठीक है, और यहां पर भी लिख रहा हूं वन एच, ठीक है, सेकंड क्या ले रहा हूं, एच, एच का मतलब एच प्लस जीरो, तो ये एच वन प्लस जीरो के बराबर होगा, तो ये एच के, एच प्लस वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, एच वन प्लस एच के बराबर, एच प्लस वन लिखू या वन प्लस एच लिखू एक ही बात है, ठीक है। अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरा अगला, ठीक है, अगला क्या हो रहा है, एच प्लस वन, या मतलब वन प्लस एच को मैं एच प्लस वन ही ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर भी एच प्लस वन ले लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच वन प्लस वन, अब वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, तो एच प्लस टू, ये प्लस प्लस ही लगाते रहना, वन प्लस एच प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच प्लस टू हो जाएगा। वैसे के वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, एच प्लस थ्री हो जाएगा, टू प्लस टू, यहां पर क्या हो जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, फोर, तो एच प्लस फोर किसके बराबर होता है, एच प्लस फोर वापस एच के बराबर ही होता है, एच प्लस जीरो के, तो वापस एच हो जाएगा, ठीक है। वैसे के वैसे टू प्लस एच, दो और एक, यहाँ एच है मतलब एच प्लस जीरो, दो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, टू प्लस एच के बराबर ही हो जाएगा, टू प्लस वन और वन क्या हो जाएगा, एच प्लस थ्री के बराबर। ये वन प्लस एच लिखो या एच प्लस वन लिखो एक ही बात है, ठीक है, यहाँ क्योंकि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं, दो प्लस दो किसके, एच के बराबर हो जाएगा, ये किसके हो जाएगा, एच प्लस थ्री के बराबर हो जाएगा, ये एच प्लस थ्री, यहां पर एच वन और वन एच के बराबर, एच प्लस एच और एच पांच फाइव हो जाएगा, फाइव में फोर को माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एच प्लस वन के। अपन पढ़ चुके थे कि स्टार प्रॉपर्टी में प्लस फोर होता है, वहां यहाँ एच और एच क्या हो जाएगा, एच और थ्री सिक्स, और प्लस माइनस फोर सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स को क्या लिखता हूँ, फोर है तो टू, ठीक है, एच एच प्लस सिक्स किसके बराबर हो जाएगा, एच प्लस टू के बराबर, ठीक है। तो ये अपने जी बाय एच निकाला और जी की ऑपरेशन टेबल निकाली, यहां पर देख सकते हो। देखो इस चीज को आप समझे नहीं होगे, फिर
फिर से लिखवा देता हूं, समझा देता हूं। जैसे ये एच प्लस टू और एच प्लस वन कैसे हो गया, ठीक है, यहां पर कौन कौन से, एक तो थ्री प्लस एच या एच प्लस थ्री, टू प्लस एच, तो इसको लिख सकता हूं एच प्लस थ्री और इसको एच प्लस टू। अब एच ए एच बी किसके बराबर होगा, एच ए बी के, तो एच प्लस ए बी मतलब टू प्लस थ्री के, ठीक है। तो ये एच प्लस दो प्लस पांच, एच प्लस पांच किसके बराबर, देखो यहां पर फोर प्लस एच किसके बराबर, एच हो गया। अब पांच प्लस एच करूंगा, अगला पांच प्लस एच करूंगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वन प्लस एच के, वन प्लस एच के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पांच प्लस वन, एच प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, एच प्लस वन के, ठीक है। तो देखो एच प्लस वन, वैसे वैसे इन दोनों को ले लो, थ्री प्लस एच और थ्री प्लस एच, मतलब एच प्लस थ्री और एच प्लस थ्री, तो एच प्लस थ्री क्या हो जाएगा, एच प्लस थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री किसके बराबर हो जाएगा, एच प्लस सिक्स के। अब एच प्लस सिक्स देखो, एच प्लस सिक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ फाइव एच प्लस वन के, फिर सिक्स प्लस एच किसके बराबर हो जाएगा, एच प्लस टू के बराबर हो जाएगा। तो एच प्लस सिक्स किसके बराबर हो जाएगा, एच प्लस टू के। वही एलिमेंट उस सेट में आएंगे, एच प्लस सिक्स करके देख लेना तुम, एच प्लस सिक्स निकालोगे कोसेट यहाँ पर निकालोगे, तो वो एच प्लस टू के जो एलिमेंट आ रहे हैं उसी के वही सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट कोसेट्स के हिसाब से ये टेबल ऑपरेशन टेबल भी बन गई, और डिस्टिंक्ट कोसेट्स के सेट के हिसाब से जी बाय एच भी बन गया। तो यहां पर एग्जांपल नंबर टू को भी अच्छे से अपन ने समझ लिया कि एग्जांपल नंबर टू क्या कह रहा है, ठीक है। एग्जांपल नंबर टू हो गया, यहां पर डिस्टिंक्ट कोसेट्स के सारे कोशेंट ग्रुप भी यहां पर खत्म होता है। अगली क्लास में हम परमुटेशन ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। परमुटेशन, तो यहां पर तो आज की क्लास में हम कोशेंट ग्रुप को खत्म कर चुके हैं। ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम्पल नंबर वन और एग्जाम्पल नंबर टू, दोनों देख सकते हो। एग्जाम्पल वन ये था, एग्जाम्पल वन में भी अपन ने जी बाय एच निकाला और उसके ऑपरेशन टेबल निकाली। एग्जाम्पल नंबर टू में भी अपन ने कोसेट्स निकाले, डिस्टिंक्ट कोसेट्स और उसकी ऑपरेशन टेबल निकाली। इसको एक बार अच्छे से दो तीन बार वीडियो को देख के आप सीख लेना, ठीक है। यहाँ पर कोशेंट ग्रुप खत्म होता है, ठीक है। अब अगला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे परमुटेशन ग्रुप, वो यूनिट चार का ना होके उसकी पहले वाली यूनिट जो यूनिट थर्ड अपन ने ऐड की थी वो उसका ही टॉपिक है, ठीक है। एक परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट जो बचेगा आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, उसको अपन परमुटेशन ग्रुप को खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना होगा परमुटेशन ग्रुप, जो इसका अगला चैप्टर है, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतनी ही चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।